नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, कांग्रेस पार्टी हर शहर में एक तिरंगा जो गौरव यात्रा के रूप में निकाल रही है तिरंगा यात्रा, और इसी कड़ी में चूँकि ये यात्रा खटीमा क्षेत्र से निकली हुई है और आज नानवता क्षेत्र में पहुंची है, आज यात्रा का प्रारंभ हो चुका है और हमारे साथ यहाँ के विधायक गोपाल सिंह राणा हैं, जिनसे हम इस तिरंगा यात्रा के बारे में जानेंगे। आखिर मकसद क्या है कांग्रेस का इस रैली के माध्यम से, वो क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, 1942 में तो उसी तर्ज पर हमारे कांग्रेस हाईकमान ने तय किया कि जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने में लगी हुई है, देश को बंटवारा करने में लगी हुई है, उसके जवाब में हमारे हाईकमान ने एक निर्णय लिया कि अब कांग्रेस जो है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालेगी। तो आज उसी कार्यक्रम के तहत नानकमता में भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और मैं तमाम क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से आग्रह करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहें, सब एक। आज वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, आज तरह तरह की बंटवारे की बात करती है, महंगाई चरम पर है, हमारा युवा बेरोजगार है, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज कांग्रेस लेके सड़कों पर है और तिरंगा यात्रा निकाल रही। हमारे साथ युवा नेता अनीस राणा भी जुड़ गए हैं और इस तिरंगा यात्रा में वो यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अनीस जी, क्या कहेंगे इस जोश और उत्साह, क्योंकि गर्मी बहुत है और इसको लेकर भी आप में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है और आज तिरंगा यात्रा का जो है दूसरा पड़ाव नानकमता से प्रारंभ हुआ है, जिसकी अगुवाई माननीय विधायक गोपाल सिंह राणा जी कर रहे हैं। और जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने आज इस देश में बना रखा है, जब हमारी जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उसमें सभी धर्मों के लोगों ने इसमें जो है भाग लिया था। आज जिस तरीके से लोगों को आपस में भाईचारे को बांटने का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और जो सेकंड जो भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे का जिनका गौरव आप देख लीजिए, जिन्होंने 50 साल तक जो है तिरंगे को अपने वहाँ पे नहीं फहराने का काम किया है, आज वो भी आप देख लो कि किस तरीके से एक उत्सव के रूप में मनाने को जा रहे हैं। तो वो सब लोग यही है कि अब जनता के बीच में दिखाना चाह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है, लेकिन उनका इतिहास बताता है कि इस देश की आज़ादी में उनका कोई भी बलिदान नहीं है, कोई भी उनका इस तरीके का इतिहास नहीं है जिसमें उन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना कोई योगदान निभाया हो। आज जिस तरीके से हमारे हाईकमान ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से देश की आज़ादी में हमारी कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के जो है इस देश की आज़ादी के लिए अपना कई हमारे ऐसे नेताओं ने बलिदान दिया है, आज उसी को लेके आज फिर से जो है भारत जोड़ो अभियान के तहत हम इस तिरंगा यात्रा का जो है दूसरे पड़ाव का प्रारंभ माननीय गोपाल सिंह राणा जी कर रहे हैं। हम उनके पीछे पीछे बस एक कार्यकर्ता के रूप में, और इस तपती दोपहरी में कुछ भी नहीं है, बस एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में, हमारे मन में भी उत्साह है कि इस बार 2024 में इनकी विदाई निश्चित है। हमारे साथ कांग्रेस महिला की जिलाध्यक्ष भी मौजूद है और एक तरह से महिला शक्ति यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा है कांग्रेस की वो दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि महिलाओं का इस तिरंगा यात्रा पर कितना बढ़ चढ़कर ये हिस्सा ले रही हैं और क्या उत्साह है। क्या मैम, इस तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तिरंगा यात्रा के बारे में, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें बहुत जोश है महिलाओं में भी, लेकिन जरा त्यौहार का इस समय मौसम चल रहा है इसलिए थोड़ा लग रहा है कि ऐसा कि नहीं आ पाई कुछ महिलाएँ। हमारा उद्देश्य है कि भारत जोड़ो, जो हमारा एक उद्देश्य है कि आज जो इस तरह से मतलब कि चल रहा है, देखो आप राजनीति कितनी मतलब बिल्कुल बेकार हो चुकी है राजनीति देखी जाए, जहाँ युवा बेरोजगार है एक तरफ शिक्षा का देखो कितना स्तर गिर रहा है ना, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है, GST है, तो इन मुद्दों को लेकर भी हम लोग रोड पर हैं, है ना। और रही बात कि देखो आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं ना, आज से नहीं हम लोग शुरू से ही रह रहे हैं, तो अब जो राजनीति चल रही है ना इसमें कई समूह में इनको बांट दिया जा रहा है, कहीं मोमडनों को बांटा जा रहा है, तो कहीं हमारे समाज के लोग भी बट रहे हैं, मतलब धर्म की राजनीति चल रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि धर्म की राजनीति ना हो, एकता हो, हमें भाईचारा हो, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम सब महिला और हम सारे हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं तिरंगा पदयात्रा के रूप में।